नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 सितंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। महिला पुलिस में बिहार दूसरे स्थान पर, 1,10,000 हुई महिला पुलिस की संख्या। बिहार पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी 17.4%। कंप्यूटराइजेशन में छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। बिहार भूमि .bihar.gov.in पर करें आवेदन। छठ पूजा को मिलेगा पर्यटन का नया आयाम। छठ पूजा के लिए विशेष टूरिज्म पैकेज की घोषणा। पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने की घोषणा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर समस्या का होगा ऑन द स्पॉट समाधान। मंगलवार और शुक्रवार को कैंप में दर्ज करें शिकायतें। कार्यपालक अभियंता की टीम आपकी मदद के लिए तैयार। नहीं बनाएंगे ऑनलाइन हाजिरी तो रुक जाएगी सैलरी। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों की कर रहा है मॉनिटरिंग। 1 अक्टूबर से शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य। दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने में नहीं होगी दिक्कत। रेलवे ने बढ़ाए कोच, आराम से कर सकेंगे यात्रा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच में पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का हुआ खेल। आकाशदीप का रहा बोलबाला। बांग्लादेश ने गंवाए 3 विकेट। अब खबरें विस्तार से। डिजिटल इंडिया कारपोरेशन ने यंग प्रोफेशनल के कुल 10 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख है 24 अक्टूबर। इसके लिए आपकी आयु सीमा 32 वर्ष से कम होनी चाहिए। जिस किसी भी उम्मीदवार का चयन डिजिटल इंडिया कारपोरेशन भर्ती 2024 के जरिए होता है, उन्हें सैलरी के तौर पर ₹50,000 मंथली भुगतान किया जाएगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार DIC की आधिकारिक वेबसाइट DIC.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या इसके आधिकारिक अधिसूचना को भी देख सकते हैं। बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या में पिछले 20 वर्षों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2004-05 में जहां पुलिसकर्मियों की संख्या 42,481 थी, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई है। NDA सरकार के गठन के बाद विधि व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता देते हुए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया गया। इस दौरान 57,000 से अधिक नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में करीब 30,000 से अधिक महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है। इस प्रकार बिहार पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी 17.4% तक पहुंच गई है, जो कि पूरे देश में दूसरी सबसे अधिक है। बिहार बर्थडे स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं अखिलेंद्र मिश्रा की। ये भारतीय फिल्म और टीवी अभिनेता हैं। इनका जन्म आज ही के दिन बिहार के सिवान में हुआ था। दूरदर्शन पर आने वाले टीवी धारावाहिक में इन्होंने चंद्रकांता में क्रूर सिंह की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा लगान फिल्म में अर्जुन का किरदार जैसी प्रसिद्ध भूमिका में नजर आ चुके हैं। ये अपने कैरियर में कई प्रसिद्ध फिल्में और टीवी धारावाहिकों का भी हिस्सा रहे हैं, जिसमें वीरगति, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, गंगाजल आज आदि शामिल है। बिहार सरकार ने कंप्यूटराइजेशन में छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइज करने के लिए नई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक बिहार भूमि के वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर परिमार्जन प्लस पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड यूजर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर सकते हैं, जबकि अगर आप नए यूजर्स हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन के लिए कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन का विकल्प चुनें। इसके बाद अपना जिला और अंचल चुनें, फिर हल्का और मौजा चयनित करें। आवश्यक विवरण भरने के बाद साक्ष्य PDF अपलोड कर अंतिम सबमिशन करें। सफलतापूर्वक आवेदन करने पर एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। आवेदन में त्रुटि होने पर एडिट बटन पर क्लिक कर पुनः आवेदन में बदलाव कर सकते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित समस्याओं का अब ऑन स्पॉट समाधान हो सकेगा। अगर आपके पास प्रीपेड मीटर से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो प्रशाखा से अंचल स्तर तक लगाए गए विशेष कैंप में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार या शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कैंप में कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, रेवेन्यू ऑफिसर और कनीय अभियंता से आप शिकायत कर सकते हैं। वही पहले की भांति प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को भी विशेष
शिविर लगते हैं, जहां विद्युत संबंधी आवेदनों का त्वरित समाधान किया जाएगा और अगर मीटर जांच और स्थल निरीक्षण जरूरी हो तो वैसे आवेदनों का निष्पादन 7 दिनों के अंदर किया जाएगा। 16 अक्टूबर से राज्य में 236 घाटों से बालू खनन और बालू मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बालू बिक्री शुरू होने की संभावना है। खान एवं भूतत्व विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। बता दें कि इस समय एनजीटी के निर्देशों के अनुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लगी हुई है। बता दें कि 15 जून तक राज्य में 152 घाटों से बालू का खनन हो रहा था और 16 अक्टूबर से ये संख्या बढ़कर लगभग 236 होने की उम्मीद है। राज्य सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक घाटों से खनन शुरू करना है, जिसमें निर्माण कार्यों के लिए बालू की उपलब्धता बढ़ सके और आम लोगों को उचित कीमत पर बालू मिल सके। बिहार के दरभंगा जिले में श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 30 सितंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आईटीआई रामनगर के निकट संयुक्त श्रम भवन लहेरिया सराय कार्यालय परिसर और विश्वविद्यालय नियोजन सूचना और मार्गदर्शन केंद्र दरभंगा में किया जा रहा है। कैंप में कुल 50 पदों पर बहाली की जाएगी और इसमें भाग लेने के लिए 18 से 30 वर्ष के युवा पात्र होंगे। उनके पास दोपहिया वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उम्मीदवारों को मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इस साल दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर ट्रेन यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 108 ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि इस त्योहारी सीजन के लिए 12,500 विशेष कोच स्वीकृत किए गए हैं। बता दें कि 2024-25 में कुल 5,975 ट्रेनें अधिसूचित की गई हैं। इनसे पूजा की भीड़ के दौरान 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को घर जाने में सुविधा होगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2023-24 में त्योहारी सीजन के दौरान कुल 4,429 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में रसोईया और सहायक के चयन के लिए नए नियमों की घोषणा की है। अब उम्मीदवारों को मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, जिससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि वे किसी गंभीर या संक्रामक बीमारी से ग्रसित नहीं है। इसके अलावा यदि कार्यकाल के दौरान किसी रसोईया या सहायक की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। रसोईया और सहायक की संख्या का निर्धारण छात्रों की संख्या के आधार पर होगा। 1 से 25 छात्रों के लिए 1 रसोईया और 401 से 500 छात्रों के लिए 6 रसोइयों की आवश्यकता होगी। मिड डे मील निदेशक योगेंद्र सिंह ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बिहार के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां पर्यटन विभाग की ओर से टूरिज्म डे पर विभाग के मंत्री नितेश मिश्रा ने घोषणा की कि छठ पूजा को भी अन्य प्रमुख उत्सव जैसे काशी की कुंभ, महाराष्ट्र के गणपति उत्सव और पश्चिम बंगाल के दुर्गा उत्सव की तरह प्रमोट किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इसके लिए विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है। विभाग फिलहाल इस योजना की डिटेलिंग कर रहा है और जल्द ही इसकी पूरी जानकारी जारी कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में विभाग 17 महोत्सव का आयोजन करवाएगा। बीते दिन पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदीप लांडे ने सादे लिबास में अचानक कटिहार के मनिहारी क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दियाराज क्षेत्र से सटे इलाकों का निरीक्षण किया और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत भी की। शिवदीप लांडे ने मवेशी पालकों, किसानों और व्यवसायियों से मिलकर उनकी समस्याओं और पुलिसिंग व्यवस्था पर बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 1 अक्टूबर से उन शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाई जाएगी जो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि वर्तमान में लगभग 74,750 शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बन रही है और उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल अनिवार्य है। दूसरी ओर 4.78 लाख शिक्षक नियमित रूप से अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करवा रहे हैं। राज्य के 81,223 विद्यालयों में कार्यरत कुल 5,52,570 शिक्षकों की मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से की जा रही है।
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के तत्वावधान में सिख हेरिटेज पटना में रोपवे राजगीर की ऑनलाइन टिकट सेवा का शुभारंभ और बिहार पर्यटन टीजर का लोकार्पण किया गया। इसका लोकार्पण पर्यटन मंत्री नितेश मिश्रा द्वारा किया गया। अब जू और नेचर सफारी के टिकट सिस्टम से राजगीर रोपवे की ऑनलाइन टिकट सेवा को जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस दौरान बिहार पर्यटन नीति 2024 और बिहार पर्यटन उद्योग में भविष्य की धुरी विषय पर भी परिचर्चा हुई। आप जब भी किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो मैसेज के नीचे टिक लगता है। इस टिक से कई चीजें समझी जा सकती हैं। अगर सिंगल टिक लगा तो इसका मतलब है कि जिसे आपने मैसेज किया है उनका नेट ऑफ हो या फोन ऑफ हो या वे इंसान नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर हो। यदि डबल टिक लगा तो इसका मतलब है कि आपका मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंच चुका है। यदि मैसेज के नीचे का टिक ब्लू हुआ तो इसका मतलब है कि आपने जिसे मैसेज किया है उसने मैसेज देख लिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने मैसेज देख भी लिया, उसका रिप्लाई भी आ गया हो, लेकिन ब्लू टिक नहीं लगता है। ब्लू टिक नहीं लगने की कई वजहें हो सकती है। इसमें सबसे पहली वजह है आपने या जिसे आपने मैसेज किया है दोनों में से किसी एक का रीड रिसिप्ट डिसेबल होगा, या जिसे आपने मैसेज किया है अगर मैसेज सिंगल टिक तक ही रह जाता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया होगा। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून की वापसी से प्रदेश में कई जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मधुबनी में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री, कुछ जगहों पर 30 से 32 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। बिहार के समस्तीपुर में शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां प्रशासन ने इस मामले में दो हेडमास्टर, एक शिक्षक और एक दलाल को गिरफ्तार किया है। जांच टीम ने विभूतिपुर प्रखंड के पुरुषोत्तम प्राथमिक विद्यालय के एचएम दिलीप राम से पूछताछ की, जिसके बाद मामले का पर्दाफाश हो गया। जिला प्रशासन की टीम ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू करा दी है। अपर समाहर्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि ये एक संगठित फर्जीवाड़ा हो सकता है और उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका की भी जाँच का आश्वासन दिया है। अधिकारी ने कहा कि आगे की पूछताछ में ये साफ हो पाएगा कि गलत तरीके से कितने लोगों की बहाली की गई। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी भूमि सर्वेक्षण परियोजना को लेकर राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बीते दिन मीडिया से बातचीत में यह स्पष्ट किया कि ये सर्वेक्षण का काम बंद नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि लोगों को आवश्यक कागजात तैयार करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि कोई भी जल्दबाजी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस सर्वेक्षण को अगले विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि 100 घोषणा पत्र की प्रक्रिया इस सर्वे में एक बड़ी चुनौती है और सरकार इस पर विचार कर रही है। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि तत्कालीन रेल मंत्री ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए रिश्वत के तौर पर प्लॉट लिए। ईडी का आरोप है कि घोटाले को छिपाने के लिए लालू यादव ने एक साजिश रची जिससे उनका लिंक प्रत्यक्ष रूप से नजर न आए। इस मामले में कई भूखंड जो कि राबड़ी देवी से जुड़े हैं नौकरी के बदले लिए गए थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि इन लेन देन में शेल कंपनियों का भी इस्तेमाल किया गया है। बेगूसराय से खबर है, जहां बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। सांसद प्रतिनिधि अमरिंद्र कुमार अमर ने बताया कि उन्हें एक संदिग्ध कॉल आई जिसमें धमकी देने वाले ने ये कहा कि वे दोनों अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमरिंद्र कुमार अमर ने इस घटना की जानकारी बेगूसराय के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर दी है। साथ ही उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी उन्हें धमकी भरे फोन आए थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गेट 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्रामों में प्रवेश के साथ साथ कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती भी की जाती है। खासकर न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रतिष्ठित संस्थान गेट 2025 के परिणामों का उपयोग करते हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर लें। ये परीक्षा 1, 2, 15 और 16 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खराब रोशनी और बारिश के चलते केवल 35 ओवर का खेल हो सका। बांग्लादेश ने दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए। मोमिनुल हक ने 81 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली, जबकि मुशफिकुर रहीम 6 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत की ओर से आकाशदीप ने 2 विकेट लिए, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट हासिल किया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1837 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली का शासन संभाला था। आज के दिन वर्ष 1838 में बहादुर शाह जफर भारत में मुगलों के अंतिम सम्राट सिंहासन पर बैठे थे। और आज के दिन वर्ष 2004 में विश्व बैंक ने भारत को विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा था। आज के दिन वर्ष 1885 में श्री नारायण चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। ये हिंदी साहित्यकार और सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आज के दिन वर्ष 1907 में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म हुआ था। और आज के दिन वर्ष 1929 में भारतीय गायिका लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। शेयर बाजार में इस हफ्ते हरियाली का माहौल बना रहा, हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को गिरावट आ गई। बता दें कि 30 शेयरों का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स 264.27 अंकों की गिरावट के साथ 85,571.85 के स्तर पर बंद हुआ। वही एनएससी निफ्टी भी 37.10 अंकों की कमी के साथ 26,178.95 पर आ गया। वही पावर ग्रिड के शेयरों में 3% और एयरटेल के शेयरों में 2% की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में गिरावट के प्रमुख कारण एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, L&T पावर ग्रिड और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर रहे। हालांकि सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइप और HCL टेक के शेयरों में बढ़त देखने को मिली। YouTube चैनल ट्रू इंडिया ऑफिशियल के एक वीडियो थंबनेल में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आपको बता दें ये दावा पूरी तरह से फेक है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, इसलिए इस तरह की खबरों से सावधान रहें। ऐसी खबरों को शेयर करने से बचे। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। बिहार पर्यटन में आज हम बात कर रहे हैं कटिहार की। ये बिहार के 38 जिलों में से एक है। इस जिले में आपको कई पर्यटन स्थल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही शामिल है। इसमें गोगाबिल झील, गांधी घर, बड़ी दुर्गा मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा, पीर मजार, गोरखनाथ मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और त्रिमोहानी संगम शामिल है। यदि आप कभी कटिहार आते हैं या आने की सोच रहे हैं तो इन पर्यटन स्थल पर घूमने जा सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही आंसर होगा केरल। हाल ही में किसे NRAI का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है नरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी है कलिकेश सिंहदेव और ऑप्शन डी है धर्मेंद्र कुमार। इसका सही आंसर होगा कलिकेश सिंहदेव। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत का उद्यान कहा जाता है? ऑप्शन ए है पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिमी बिहार, ऑप्शन सी है उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र और ऑप्शन डी है गंगा का मैदान। इसका सही आंसर होगा उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र। बिहार के किस मंडल में केवल 2 जिले हैं? ऑप्शन ए है पूर्णिया, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है सारण और ऑप्शन डी है कोसी। इसका सही आंसर होगा भागलपुर।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है चंद्र, धन्य यादव, नूनू गोलू कुमार, गोना शर्मा, राजकिशोर महतो, राम इकबाल, निषाद, सादुल्लाह पलवी, इनामुल हक, निखिल कुमार यादव, संजय कुमार, पंकज कुमार, संदीप गुप्ता, राजीव कुमार, जी कुमार, विनय कुमार, नरेश राम, अतीक खान, राम नवमी माझी, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद शाकिर हुसैन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, बिहार में घूमे हुए जगहों में कौन सा पर्यटन स्थल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।